जय हिंद दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हम इस वीडियो में चलेंगे बद्रीनाथ जो कि हिंदुओं के सबसे बड़े चार धामों में से एक है। तो इस वीडियो में हम पूरा बद्रीनाथ का टूर प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप बद्रीनाथ जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, स्टे के आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और इस पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होगा। तो इस सब के बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ जो कि हिंदुओं के सबसे बड़े चार धामों में से एक है और हर हिंदू जीवन में एक बार इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करना चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप इस पवित्र धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपकी बद्रीनाथ और चार धाम की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार जो कि हरि का द्वार है और चार धाम का मुख्य द्वार है। तो आप भारत में कहीं से भी हो, सर्वप्रथम आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों माध्यम से देश भर से जुड़ा हुआ है। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का आपका एक ही माध्यम है, वो है आपका सड़क मार्ग। पर पहले ये जान लेते हैं कि आप भारत के जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, वहां से पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन। अब ट्रेन की बात करें तो जो आपका नजदीकी स्टेशन है वो है हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश। तो ये दो स्टेशन है। अब आपके शहर से जहाँ की भी ट्रेन हो वहाँ आप आ सकते हैं। और जो दूसरा माध्यम है वो है प्लेन। तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड जो कि देहरादून में है। अब बात करते हैं हमारे पास हरिद्वार या देहरादून से बद्रीनाथ तक की यात्रा के क्या क्या साधन है। यहाँ पर आपके पास केवल दो साधन है और पहला है बस जो कि सबसे सस्ता साधन है। यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाएगी। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है लगभग 320 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में आपको 11 से लेकर 12 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों बस का जो पर पर्सन आपको चार्ज देना होगा वो लगभग 600 से लेकर 900 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा। ये टिकट आपको हरिद्वार का जो बस स्टेशन है वहाँ पर और उसके आसपास जो बहुत सारे एजेंट जिनकी शॉप है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी, 4 से लेकर 7 बजे तक आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ तक की बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आप जोशी मठ तक की बस में बैठ सकते हैं। जोशी मठ से बद्रीनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है। तो आप जोशी मठ अगर पहुंच जाएं तो उसके बाद आपका 100 रुपये पर पर्सन के लिए आपको जीप जो शेयर टैक्सी होती है वो आपको जोशी मठ से मिल जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है प्राइवेट टैक्सी का। तो आप टैक्सी के माध्यम से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं या फैमिली में हैं तो आप अपनी टैक्सी एक बुक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 10 से लेकर 12 हज़ार, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्सी बुक कर रहे हैं, वो आपके पास पड़ेगा। दोस्तों अब आप बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ में अब बात करते हैं स्टे के क्या क्या ऑप्शन है, खाने के आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बद्रीनाथ है वो चारों धामों में सबसे ज़्यादा बड़ा धाम है और फैसिलिटी यहां पे सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा है। यहां पे आपके पास रहने के लिए 3 ऑप्शन है। इनमें पहला ऑप्शन है दोस्तों जो आश्रम होते हैं, तो आप आश्रमों में भी रह सकते हैं। आश्रमों में आपको 200 से लेके 500 रुपए तक कमरे मिल जाएंगे। जो दूसरा ऑप्शन है वो है GMVN का गेस्ट हाउस जो कि सरकार चलाती है। तो वहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आपको 45 से लेके 100 रुपये तक का पर बेड का डॉर्मेट्री मिल जाती है। इसके अलावा आप रूम भी ले सकते हैं जो कि आपको 800 से लेकर 2000 रुपए तक पड़ेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है दोस्तों प्राइवेट होटल। यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें किराया आपका 500 से लेकर 5000 रुपए रूम का पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हो। अगर सीज़न में जा रहे हो तो सीज़न में तो रेट ज़्यादा रहते ही हैं और जब भीड़ कम होती है तब रेट आधे हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास खाने के भी क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों खाने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको 80 से लेके 300 रुपए तक थाली मिल जाएगी और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरीके का खाना आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बद्रीनाथ में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। सबसे पहले आप करोगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन जो है भगवान विष्णु की तपोस्थली।
तो मंदिर के दर्शन करने से पहले आप चाहे तो प्राकृतिक यहाँ पर जो तप्त कुंड है जिसमें नेचुरल रूप से गर्म पानी आता है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने होटल में भी स्नान कर सकते हैं। अगर दोस्तों भीड़ ज़्यादा हुई तो आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 से लेकर 4 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़ सकता है, वरना अगर भीड़ कम हुई तो आपका 1-1.5 घंटे में आपके मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और ये पूरा घाट बना रखा है लखनंदा का, ये लोग अपना पिंडदान पितृदान वगैरह पूजा यहाँ से कराने आते हैं, देश भर से यहाँ पे होते रहते हैं। देखिए पूजा संकल्प आदि यहाँ पे कराए जाते हैं। मंदिर से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव है। यहाँ पे भी आप जरूर जाइएगा क्योंकि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत सुंदर ये साफ सुथरा ये गांव है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेगी जिनकी मेमोरी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर है गणेश गुफा, व्यास गुफा, और यहीं पर दोस्तों केवल यहीं पर आपको सरस्वती नदी के भी दर्शन होंगे, और यहीं पर आपको भीम पुल भी मिलेगा। दोस्तों माणा वही जगह है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे और सरस्वती नदी पार नहीं हो पा रही थी, तब भीम ने अपने बाहुबल से यहाँ पर एक पुल बनाया था जिसे भीम पुल कहा जाता है। तो आप उस भीम पुल के भी दर्शन करें, आप सरस्वती नदी के भी दर्शन करें और माणा को भी आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप माणा से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके वसुधारा वाटरफॉल, जिसे सबसे चमत्कारी झरना भी कहा जाता है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये थी बद्रीनाथ में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरी बद्रीनाथ ट्रिप में आपका कितना खर्चा आएगा। तो हम लेके चलते हैं हरिद्वार टू हरिद्वार। तो हरिद्वार से लेके हरिद्वार आने तक पर पर्सन 4,000 से लेके 5,000 रुपये आपका खर्च होने वाला है। इसमें आपका हरिद्वार से जाना आना, वहाँ पर रुकना, वहाँ पर खाना, सब इंक्लूड करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ आप गर्म कपड़े कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मौसम कभी कभी बिगड़ जाता है और रात में तो आपको ठंड लगने ही वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पे लाइट की भी दिक्कत रहती है, तो अपने साथ पावर बैंक वगैरह जरूर रखें, स्टिक रखें ताकि जिसके सपोर्ट की वजह से आप ट्रैक कर सके, और अच्छे आप शूज़ पहने क्योंकि फिसलन रहती है या बहुत पत्थर वाला रास्ता होता है तो आपको चोट भी लग सकती है अगर आप गिरे तो, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ भी पहने। साथ में रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे ना रहे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो आप अपने साथ कैश जरूर रखें। दोस्तों यही था बद्रीनाथ धाम का टूर प्लान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों को सबको शेयर करें जो जो बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन के इस तरीके की वीडियो आती रहती है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, नमस्कार।